महोदय, आज मांग संख्या 24 खेल एवं युवा मामलात के ऊपर सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि कल प्रश्न के गलत जवाब देने के प्रकरण में 15 तारीख को कल की तारीख में ही दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, श्री लहरी दास एवं जो कि जिला खेल अधिकारी ओम प्रकाश बारिया, दोनों को कल की तारीख में निलंबित कर दिया गया। उदयपुर के जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन, विधानसभा प्रकोष्ठ प्रभारी राजस्थान श्यामवीर सिंह एवं सहायक अभिवंता श्री विनोद कुमार वर्मा को 17 सीसी के नोटिस दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल विभाग की तरफ से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले बजट के अंदर 2020-21 के अंदर जो 16 नए स्टेडियम के लिए 25-25 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, समस्त 16 स्टेडियम के 25-25 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं और काफी में काम शुरू हो गया, बहुत जल्दी वो काम पूरे हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए इस बार एक विशेष योजना इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए। मैं समझता हूँ कि हमारा देश एक युवा देश है, निश्चित रूप से आज देश का युवा भटका हुआ है, नशे की ओर अग्रसर है और गलत रास्ते पर चल पड़ा है और युवा डिपार्टमेंट की तरफ से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि जितने भी युवा एम्बेसडर्स राजस्थान के हैं उनको रोडवेज में निशुल्क यात्रा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं युवाओं में अच्छे आत्मों का संचार वो करेंगे, युवाओं को अच्छा संदेश प्रदेश के युवाओं को वो देंगे। साथ ही साथ 2500 राजीव गांधी युवा मित्र और 50,000 महिलाएं पुरुष राजीव गांधी वॉलंटियर बनाए जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी। माननीय सभापति महोदय, इन वॉलंटियर्स के माध्यम से, इन राजीव गांधी युवा मित्रों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं में जो कुरीतियाँ हैं, नशे का चलन है, इन सभी कुरीतियों को दूर करने का काम युवा विभाग करेगा। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, युवाओं को यूथ हॉस्टल में अच्छी सुविधा देने के लिए उदयपुर, जोधपुर, अजमेर के यूथ हॉस्टल को सुदृढ़ किया जाएगा, सजा का काम किया जाएगा और यूथ एक्सीलेंस सेंटर 5 करोड़ की व्यय से राजस्थान में स्थापित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात खेलों की आती है और मैं समझता हूं, मैंने पिछले बजट रिप्लाई के अंदर भी कहा था कि व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 90 साल का हो, खेल खेलने का सबका बराबर अधिकार है। हालांकि ये जो सामने बैठे हुए हैं ये सब शर्मनाक खेल खेलते हैं, जनता की भावनाओं के खिलाफ सरकार को गिराने का खेल खेलते हैं, जनता की भावनाओं के खिलाफ काम करने का खेल करते हैं। इस सदन के अंदर शिक्षा और खेल के ऊपर जो आज चर्चा है, इस चर्चा को खराब करने का काम और ऐसा गंदा खेल ये खेलते हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश की युवा पीढ़ी इनको बहुत बड़ा मजा चखाने वाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेलों के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूर्व में जो कोचेस की मात्रा केवल 300 थी उसको 500 बढ़ाकर 10 करोड़ का उसका बजट करके राजस्थान के खिलाड़ियों को नए सिरे से कोचिंग और हाई लेवल की कोचिंग देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार शुरू हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ी सभी प्रतियोगिताओं में जाएं, उन्हें अच्छी रहने की व्यवस्था हो, उनके अच्छे खाने की व्यवस्था हो, हाइजीन की व्यवस्था हो, उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं हो, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिदिन 500 रुपए को बढ़ाकर 1000 रुपए का भत्ता किया, राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिदिन 300 रुपए को बढ़ाकर 600 रुपए किया गया और आने वाले समय में 1 लाख के आसपास खिलाड़ियों का इसका फायदा मिलने वाला है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के खिलाड़ियों की एक हमेशा से मांग थी
कि हरियाणा के अंदर जो चैंपियन खिलाड़ी हैं उनको इनाम राशि बहुत ज़्यादा है, पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान के खिलाड़ियों की इनाम राशि बहुत कम थी। उस इनाम राशि को राजस्थान में बढ़ाने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। ओलंपिक के स्वर्ण विजेता को 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी। रजत पदक विजेता को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी। कांस्य पदक विजेता को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़। एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ किया। रजत पदक विजेता को 20 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किया। कांस्य पदक विजेता को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया। मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय कि इस घोषणा के बाद में देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो मेडल लेने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान से ज़्यादा कोई नाम राशि दे सकता हो, ऐसा कोई भारत में प्रदेश नहीं है। और प्रदेश के एक एक खिलाड़ी की तरफ से जननायक मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो सब मुझसे मिलते हैं और अपनी आशाएं बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं और इस मंच के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये जो आज वेल के अंदर बैठे हुए हैं इनके कर्म है कि इनको वेल में बैठना पड़ रहा है। जनता ने तो 160 सीटें दी थी, लेकिन इन्होंने 5 सालों में ऐसे दुष्कर्म किए कि इनको 160 से आधे से भी कम सीटें देने का काम प्रदेश की जनता ने किया। माननीय सभापति महोदय, उसका एक जीता जागता उदाहरण मेरे हाथ में है। खिलाड़ियों की अनुदान राशि, जो छोटे छोटे बच्चे खेलकर मेडल प्राप्त करके उनका अधिकार होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 3 साल तक इनके राज में उन खिलाड़ियों की अनुदान राशि को रोकने का शर्मनाक काम किया है और ये लोग उन्हीं बच्चों की बद्दुआओं की वजह से आज इस वेल के अंदर बैठे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। आप कहेंगे तो मेज पर कर दूंगा। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में खिलाड़ियों के अनुदान राशि के लिए मात्र 28 करोड़ और 56 लाख रुपए उनके अकाउंट में गए, और वही मात्र 2 साल में, जिसमें कि 6 महीना कोरोना काल खा गया कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद में, अशोक गहलोत जी के राज में 21 करोड़ 77 लाख रुपए और 93 हजार रुपए, कम से कम 21 करोड़ और 78 लाख रुपए 1.5 से 2 साल के अंदर खिलाड़ियों के अकाउंट में गया। मतलब कि यदि इनकी कार्यशैली से इस साल की 2 साल की कार्यशैली को कंपेयर करें तो 250 गुना ज्यादा खिलाड़ियों को अनुदान राशि माननीय अध्यक्ष महोदय इनके कार्यकाल के मुकाबले दिया। 250 गुना ज्यादा, 250 प्रतिशत। मैं अपनी बात को ठीक करूंगा, 250 प्रतिशत इनसे ज्यादा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी मांग थी कि प्रदेश के खिलाड़ी जिनका कि भविष्य खराब हो जाता था, अच्छे अच्छे मेडल लेकर आते थे और बुढ़ापे में बड़ा उनकी स्थितियां खराब हो जाती थी। पिछले हमारे पहले बजट सेशन में इसी सदन के ऑफिस के अंदर बैठकर मैंने अधिकारियों से चर्चा करी कि किस प्रकार से जॉब पॉलिसीज के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि इन्होंने तो पुलिंदे बना बना के छोड़ दिए। माननीय सभापति महोदय, आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी बनाई 2016 में, और उस पॉलिसी के तहत इस राजस्थान की मिट्टी के, इस राजस्थान की धरती के एक भी खिलाड़ी को जॉब ये लोग नहीं दे पाए, केवल कागजों का पुलिंदा बनाने का काम इन्होंने किया। माननीय सभापति महोदय, जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने 2% में अमेंडमेंट किया और इस 2% के अमेंडमेंट की वजह से 256 बच्चे इस 2 साल के अंदर सरकार की नौकरी लग चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, 85 पद फिर दोहराना चाहता हूँ, 85 पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हो गए। एक बात कहता हूँ कि जब अधिकारियों ने कहा कि हर मंत्री ये बात करता है कि ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए कि खिलाड़ियों की नौकरी लग जाए जो डिजर्व करते हैं, लेकिन मंत्री महोदय ये काम करना असंभव है। पहले बहुत मंत्री आए और चले गए, लेकिन ये अमेंडमेंट कोई कर नहीं पाया। लेकिन मुझे एक समझदार व्यक्ति की बात याद आई कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला कर जनाब,
एक बार चलने का हौसला करिए जनाब, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2% जॉब पॉलिसी के अंदर हमने अमेंडमेंट किया और इस 2 साल के अल्प कार्यकाल के अंदर 256 बच्चे ज्वाइनिंग पा चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस 2% नौकरी के अंदर 53 बच्चे 53 खिलाड़ी जिनकी की नौकरी लग चुकी थी लेकिन उनको ज्वाइनिंग से वंचित रखा, ये वो दुष्कर्मी सरकार है। 53 बच्चे पुलिस की नौकरी पाने के बाद में उन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार आने के बाद में उन 53 बच्चों का अधिकार, हम लोग गए पुलिस हेडक्वार्टर्स, गए ACF होम के पास में हम लोग गए, उनका पक्ष रखा और आज वो 53 बच्चे पुलिस के अंदर नौकरी कर रहे हैं। सभापति महोदय, इसीलिए उन बच्चों की बद्दुआ है कि आज इस वेल के अंदर बैठे हुए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी जो 2016 में ये वेल में बैठे हुए इनके राज में बनाई गई, एक सिंगल नौकरी इस प्रदेश के खिलाड़ियों को इन्होंने नहीं दी। 182 खिलाड़ियों का उनको डायरेक्ट आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करी। सभापति महोदय, 182 बच्चों को, जिसमें से 29 को ए और बी कैटेगरी के अंदर नौकरी मिली, 153 बच्चों को अभी नियुक्ति मिल गई है, उनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है। सभापति महोदय, ये जो लोग आज आउट ऑफ टर्न पॉलिसी की वजह है कि जयपुर के अंदर जब कबड्डी का कंपटीशन हुआ, माननीय सभापति महोदय, 60 टीमों ने भाग लिया, जहां पर केवल 50 बच्चे ट्रायल के लिए आते थे, 50 में से 15 सिलेक्ट होते थे, वहां पर जिले में 750 बच्चों ने 60 टीमों के माध्यम से मैच खेले और उन 750 बच्चों में से 15 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ। सभापति महोदय, खिलाड़ियों के अंदर एक उम्मीद जगी है, खिलाड़ियों के अंदर एक ऊर्जा आई है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलाड़ियों को एक नया जीवन देने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, ये वो लोग हैं, आज मैं इनका चेहरा, इसका एक और फैक्ट बताता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी आने के बाद राजस्थान के शूटिंग के अव्वल दर्जे के जो बच्चे थे, वो अव्वल दर्जे के बच्चे 2019 में 12 बच्चों ने राजस्थान छोड़ा, 2020 के अंदर 16 ने छोड़ा, हमारी पॉलिसी आने के बाद में मात्र 6 बच्चों ने राजस्थान छोड़ा जो कि आर्मी में थे और किसी। माननीय सभापति महोदय, ये यहाँ पर शोर जरूर मचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, लेकिन मैं आपको माननीय सभापति महोदय, इधर रहिए, इनका असली चरित्र और चेहरा बताने का काम करता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ, असम के अंदर राष्ट्रवादी नहीं करे, आप इधर रहिए, एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है, उसको डिप्टी बनाया गया, मैं बधाई देता हूँ, असम की सरकार को बधाई देता हूँ कि एक खिलाड़ी का जीवन बनाने का काम उन्होंने किया। लेकिन ये बीजेपी के नेता हिमा दास को सोशल मीडिया के ऊपर बधाई देने का इनको समय है, केवल उप नेता, उप प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बधाई दी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की बेटियां जो डिप्टी बनी, राजस्थान की बेटियां जो अधिकारी बनी, राजस्थान के बेटे जो अधिकारी बने, उनको बधाई देने के लिए इन लोगों के पास में कोई उनके लिए सहानुभूति नहीं है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के जो खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न जॉब मिली, माननीय सदस्य, रास्तावादी नहीं करें, रास्ता रोको, रास्ता हटाइए, आप रास्ते से हटाओ इनको, रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए, माननीय जी रास्ता छोड़िए, इधर आइए आप, रिपोर्टर्स को आने दे, रास्ता छोड़िए आप, माननीय सदस्य, रिपोर्टर्स को आने दे, रास्ता छोड़िए, सभापति महोदय, श्री भंवर सिंह भाटी, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर श्री भंवर सिंह भाटी, श्री अभी चल रहा है, सभापति महोदय अभी चल रहा है,
सदस्यगण। माननीय सभापति महोदय, अभी चालू है, आपने रोका था इसलिए मैं रुक गया था। राजस्थान की और बोलेंगे भी। बोल रहा हूँ राजस्थान की खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला, दिव्यान सिंह, भावना जाट को टोक्यो ओलंपिक में जगह मिली है। राजस्थान के 6 पैरा खिलाड़ी सुंदर गुजर, देवेंद्र झाझड़िया, संदीप सिंह मान, कृष्णा नागर, अवनी लेखरा, श्याम सुंदर स्वामी 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए। राजस्थान के खिलाड़ी रजत चौहान, स्वाति दूधवाल को तीरंदाजी वर्ल्ड कप टीम में राजस्थान 8 में से 2 बच्चे राजस्थान के गए। माननीय सभापति महोदय, ये जितने भी बच्चे टोक्यो ओलंपिक और वर्ल्ड कप में गए, इन सबको आउट ऑफ टर्न के अंदर नौकरी मिली है। इन सबका नाम इसके अंदर क्वालिफाई करता है और जिन्होंने भी अप्लाई किया उन सबको राजस्थान सरकार ने नौकरी देने का काम किया। सभापति महोदय, इनके निरंतर प्रयासों और इनकी मेहनत के लिए कहना चाहता हूँ, किसी ने कहा है नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर बने रहना कमाल होता है। माननीय सभापति महोदय, पिछली बार कट मोशंस पर बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी भाषण यहाँ आकर कई सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने दी, उन्हीं की बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खेल विभाग में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम राजस्थान के हर ब्लॉक स्तर पर बनाने का फैसला किया और इसके अंदर समस्त विधायक गण से मैं आह्वान करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, मेरा पत्र भी उनको मिलेगा, जनप्रतिनिधि, विधायक संसद निधि, जन सहयोग, CSR से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। अब ये वेल के अंदर जो खड़े हुए हैं, मैं देखूंगा कि इनके इलाके के युवाओं के लिए, इनके इलाके के खिलाड़ियों के लिए इनकी नज़र में क्या रोड मैप है, ये किस मेंबर पार्लियामेंट चलाते हैं, ये विधायक कोष से कितना पैसा देते हैं। माननीय सभापति महोदय, ये मैं इनका देखूंगा कि ये यहाँ पर क्या केवल चिल्लाने के लिए सदन में आते हैं या खिलाड़ियों के लिए इनके दिमाग में कोई रोड मैप है। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट सत्र के अंदर हम लोगों ने एक सपना इस सदन को दिखाया था, राजस्थान के बच्चे जो छोटी उम्र से खेलों को शुरू करते हैं, यदि उस समय में उनका ध्यान रखा जाए, उस समय में उनको कोचिंग मिले, उस छोटी उम्र के अंदर उन्हें रेजिडेंशियल स्कूल मिले, तो वो खिलाड़ी आगे चलकर राजस्थान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। उसी भावना का कद्र करते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स स्कूल बनाने की घोषणा इस सदन के अंदर करी और मैं इस सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इस घोषणा के तहत इस जुलाई सेशन से ही इन दोनों स्पोर्ट्स स्कूल को चालू किया जाएगा। सभापति महोदय, चोटों की वजह से उनका करियर खराब हो जाता था, किसी भी चोट की वजह से राजस्थान के खिलाड़ी का करियर खराब नहीं हो, उसके लिए 16 करोड़ की लागत का रिहैबिलिटेशन सेंटर राजस्थान के अंदर बनाया जाएगा ताकि हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों का हम ध्यान रखें और उनका भविष्य कभी खराब नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण खेलों के लिए, ग्रामीण इलाकों में खेलों का वातावरण बढ़े और ग्रामीण बच्चों को अव्वल दर्जे के आयोजन के अंदर हिस्सा लेने का मौका मिले, उसको नज़र में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण खेल के लिए 30 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। राजस्थान के हर गांव के अंदर, राजस्थान के हर रेवेन्यू विलेज के अंदर हमारा बेटा खेलेगा, हमारी बेटी खेलेगी और आने वाले समय में इस योजना के तहत गाँव के अंदर खेलों को बढ़ावा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ घोषणाएं मैं करना चाहता हूं।
क्योंकि प्रदेश में अब आग लग चुकी है खेलों के प्रति। खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं, मैदान भर रहे हैं, तो बहुत सारी प्राइवेट अकेडमीज भी प्रदेश में आ रही हैं और काफ़ी शिकायतें आती हैं कि प्राइवेट अकेडमीज के अंदर अनाप शनाप कई जगह पर पैसा लिया जाता है और उनके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं हो। खेल विभाग के आने वाले साल में प्राइवेट अकेडमीज के लिए भी नियम और प्रावधान बनाए जाएंगे ताकि प्रदेश के बच्चे जो प्राइवेट अकेडमीज की सुविधाओं को वो हासिल करेंगे उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो और उनके साथ भी न्याय हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार एक बात ये विपक्ष के साथी हर घोषणा के ऊपर ये एक बात उठाते, कितना बजट का प्रावधान किया, कितना बजट का प्रावधान किया, ये मुद्दा हमेशा उठाते हैं। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं, इनकी ये बात सुनते हुए हम लोगों ने भी अपना मन बनाया। हमने क्या प्रेरणा ली, किसी ने कहा है, सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सभापति महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि 100 नर्सरी अकेडमीज राजस्थान के अंदर, उसका कोई बजट प्रावधान नहीं है ये भी मैं घोषणा कर रहा हूं, लेकिन जितना बजट लगेगा वो मुहैया होगा और जो हमारे पास में साधन है उनका इस्तेमाल होगा। दिमाग लगाकर 100 नर्सरी अकेडमीज हम लोग राजस्थान में स्थापना करेंगे ताकि राजस्थान के बच्चों को कम उम्र में उनके जिले में उनके गांव में खेलने की सुविधा मिले और जो स्पोर्ट्स स्कूल है और बड़ी अकेडमीज हैं उनके लिए ये अकेडमीज नर्सरी का काम करें। माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ क्योंकि चाकसूस आने वाले माननीय सदस्य ने स्टेडियम में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है, 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि उनके यहां पर मैचिंग ग्रांट के तहत बराबर फंड देकर और उनके यहां पर भी खेल स्टेडियम बनवाया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आज कुल मिलाकर 77 कट मोशंस माननीय 57 विधायकों ने लगाए। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि 2 दिन के अंदर सबके जवाब आएंगे और सब पर विचार करके जल्दी से जल्दी काम कराने की हम कोशिश करेंगे। माननीय सभापति महोदय, और ये जो इस वेल के अंदर बैठे हुए हैं, मेरी बात खत्म करने से पहले इनको एक राय दूंगा कि ये जो नारा लगा रहे थे लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, तो मुझे तो लगा कि इनकी केंद्र की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि सबसे पहला नाश इनकी केंद्र की सरकार का होगा। असली लोकतंत्र के हत्यारे वहां पर बैठे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मोटी मोटी बातें खेलों की आ चुकी है। माननीय सभापति महोदय, 4 महीने पहले ये आज जो इनके पीड़ा है, कई सदस्यों ने बताया कि इनके क्या पीड़ा है, पूरे देश के अंदर सरकारें गिनाने का, पर देश के लोगों के द्वारा वोट देकर सरकारें बनाने का काम किया गया और जनता के विपरीत पैसों से जो भी तंत्र हो सकते थे, ईडी से, इनकम टैक्स से परेशान करके सरकारें गिराने का जो घिनौना काम इन लोगों ने किया, उस रथ को रोकने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। और उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। भंवर सिंह भाटी। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सभापति महोदय सदन को धन्यवाद।